व्यक्ति पृथ्वी पर आता है जो हम आप सबकी तरह ही होता है, जिन्हें गीता में कहा गया है कि अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानम सृजाम्य हम, उसमें एक महापुरुष का प्रादुर्भाव होता है जो हमारे और आपके तरह होता है, जैसे भगवान श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव, भगवान राघवेंद्र, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम का, समाज में एक अच्छी व्यवस्था उपस्थित करने के लिए परम ब्रह्म परमात्मा मानव के रूप में उपस्थित होता है, जिन्हें हम अवतार कहते हैं। कल्याण की भावना को विचार करते हुए जीव के लक्ष्य को, जीव किस प्रकार से अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगा, इस कामना से एक ऐसे महापुरुष का प्रादुर्भाव पृथ्वी पर हुआ है जिन्हें हम कुमारन स्वामी के नाम से जानते हैं और शिव तत्व के विषय में विचार कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि निश्चित तौर से महाराज श्री कुमारन स्वामी, तो कुमारन स्वामी नाम जरूर कुमारन स्वामी है, लेकिन निश्चित तौर से कुमारन ये नहीं है, ये तो बड़े व्यापक हैं, क्योंकि शिव के विषय में विचार करने वाले व्यक्ति कुमारन तो नहीं हो सकता है, वो सब शिव है, शिव के सिवा कुछ है ही नहीं। कोई भी धर्म हो सब में शिव है, यही शिव है। और कुमारन स्वामी जैसा महारथी शिव के विषय में सोच रहा है और बहुत बड़ी चीज की, सारे लोगों का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। इस ढंग का महासंकल्प शिव ही कर सकता है, दूसरा कोई नहीं कर सकता है। तो कुमारन स्वयं शिवस्वरूप हैं और उनके मन में इस ढंग का भाव कि मैं एक ऐसा कार्य करूं, एक ऐसा स्थान बनाऊं जहां की सारे जीव का जो लक्ष्य है वो उसे प्राप्त हो, उसका जीवन किस रूप में हुआ, क्यों हुआ इस पृथ्वी पर, इसकी सार्थकता सिद्ध हो, अर्थात अर्थ धर्म काम मोक्ष, चारे पुरुषार्थ उसको प्राप्त हो, ये सारे चारे पुरुषार्थ, सारे जो चार पुरुषार्थ हैं इसकी प्राप्ति का जो कारण है शिव तत्व, उस शिव तत्व को सामने प्रस्तुत रखना जीव के कल्याण का मूल कारण होगा। इस प्रकार का संकल्प हमारे बीच महाराज श्री कुमार जी द्वारा संकल्प रखा गया है, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। और मैं बहुत कुछ तो नहीं कहने की स्थिति में हूँ, लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि जीव का जीवन सार्थक तब है जब वो शिव की उपासना करता है। जी बिल्कुल, बिना शिव की उपासना के वो किसी भी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कहते हैं कि आत्मा एक नायिका है जो अपने नायक अर्थात परमात्मा से मिलने के लिए आतुर रहती है। आत्मा का परमात्मा से मिल जाना मोक्ष है। मनुष्य जीवन भर यात्रा में रहता है और ये यात्रा आत्मा से परमात्मा की खोज है। ये खोज जब पूरी होती है तब मनुष्य ईश्वर को प्राप्त कर लेता है और आवागमन के झंझट से मुक्त हो जाता है। जब भी हम किसी तीर्थ यात्रा या धाम की यात्रा पर जाते हैं तो हम कुछ खोजने जाते हैं, हमें किसी की तलाश होती है, शायद ईश्वर की तलाश, शायद एकांत की तलाश, शायद सुकून की या ना जाने किसकी तलाश। दरअसल हमें किसी दूसरे की नहीं, हमें अपने आप की तलाश है। हम आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं। चारों धामों की यात्रा के बाद भी मेरा आत्म साक्षात्कार नहीं हुआ, अभी भी कुछ अधूरापन महसूस हो रहा था, एक अकेलापन महसूस हो रहा था और मुझे तलाश एकांत की थी। इसी एकांत की खोज ने मुझे कंबोडिया पहुंचा दिया,
जो विश्व का सबसे प्राचीन हिंदू तीर्थ है। 12वीं सदी में कंबोडिया, जिसका पुराना नाम यशोधरपुर था, यहां के राजा सूर्यवर्धन ने सबसे बड़े हिंदू मंदिर का निर्माण करवाया था, जिसे दुनिया अंकोर वाट नाम से जानती है। इसी यात्रा के क्रम में जब मैं कुछ आगे बढ़ा तो मुझे सहस्रों शिवलिंग के दर्शन हुए। प्रकृति निर्मित 1008 शिवलिंग के दर्शन मात्र से मेरे भीतर अकस्मात ऊर्जा का संचार हुआ और यहाँ मेरे एकांत की खोज पूरी हुई। मुझे आत्म साक्षात्कार हुआ और परम शांति की अनुभूति हुई। शिवजी के सबसे बड़े धाम का दर्शन आपको सांसारिक कष्टों से मुक्ति दिलाएगा। शिव का ये धाम किसी धर्म या जाति विशेष के लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण मानव जाति के कल्याण के लिए है। यहाँ आकर आप दैहिक, दैविक और भौतिक तीनों कष्टों से मुक्ति पा सकते हैं। इस प्राकृतिक अद्भुत जगह पर शिवत्व की साक्षात अनुभूति की जा सकती है और आपकी आत्मा से स्वतः ये बात निकलती है कि आप शिवत्व के मार्ग पर चल पड़े हैं। आप अपने अंदर एक बदलाव का अनुभव कर रहे हैं और ये बदलाव शिव की कृपा के बिना संभव नहीं है। शिव के महत्व के साथ शिव के लिंग के महत्व को समझना भी आवश्यक है। संपूर्ण ब्रह्मांड पदार्थ और ऊर्जा का मिश्रण है। जिस प्रकार मानव शरीर पदार्थ है और आत्मा ऊर्जा है, उसी प्रकार शिव पदार्थ हैं और शक्ति ऊर्जा। अतः स्पष्ट है कि संपूर्ण ब्रह्मांड शिवमय है और शिव ही मोक्ष का एकमात्र मार्ग है। जब मन ऊब जाए, व्याकुल हो, तब कंबोडिया के इस सहस्र शिवलिंग का दर्शन करें। ज्ञान और मोक्ष के देवता शिव की कृपा होगी। शिव ही मोक्ष का एकमात्र मार्ग है। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् ऊर्वारुकमीव बंधनात् मृत्योर्मोक्षीय मामृदात्। ओम नमः शिवाय। शिव का प्रथम कर्तव्य होता है कि शिव की उपासना। वो परमात्मा शिव है, उस शिव में सारा विश्व समाया हुआ है और वो अंडाकार है, इसलिए हमारा शिव भी अंडाकार होता है। जो लीन अर्थ को जाना है उसका नाम लिंग। ये सारा विश्व ब्रह्मांड जहाँ से उत्पन्न हुआ है वो परमात्मा शिव है। शिवलिंग की हम लोग पूजा करते हैं। बचने का उपाय ये है कि तुम सनातन धर्म को अपनाओ। परमात्मा ने प्रारंभ से ही वेदों के द्वारा उसके कल्याण के अर्थ धर्म काम मोक्ष के चारों मार्ग बता दिए हैं। शिवलिंगवत यदि कुछ है क्योंकि कण कण में वह व्याप्त है। वही चीज़ यह सृष्टि शिव का स्वरूप और इसलिए शिव रूप है, कल्याण रूप में प्रतिष्ठित है, वही शिव है और वही शिवलिंग है। भारत का नेतृत्व तो हमेशा हमारे ऋषियों ने किया है और इसलिए आप करें, हम जो कर पाएंगे उसमें हम भी पूरा सहयोग करेंगे। पहले शिव से प्रेम करो। उनके अलावा और कुछ भी नहीं है। आज के कुमारन स्वामी ने ये व्रत लिया है कि वही अनादि है, वही शिव है और चिन्मात्रम चैत्रहितम अनंत अजरम शिवम, जिसका कोई न आदि है न अंत है, तो वो शिव है। जहाँ भेद नहीं है, वो ईसाई हो, मुसलमान हो, पारसी हो, क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, सिख हो, सब, मैं समझता हूँ कि उनको मानने में कोई शंका नहीं है और वे पूज्य हैं, सभी धर्मों के लिए पूज्य हैं। हम तो आग्रह करेंगे कि अगर वे देवों में महादेव हैं तो कोई बचा नहीं जिसके लिए वो ना हो। भगवान
भगवान राम की कथा हम बड़े जितने भी वैष्णव हैं बड़े प्रेम से सुनते हैं समझते हैं। भगवान रामचंद्र जी ने भी अपने विजय के लिए शिवलिंग की स्थापना की। स्वामी कुमारन गुरु इज अपेरेंटली नाउ बिल्डिंग ए रिमार्केबल शिव टेम्पल इन कैम्बोडिया। आई हैव बीन अपोज टू द ग्रेट टेम्पल्स इन अंकोर विच वर हिंदू टेम्पल्स ऑल्सो मार्वल्स ऑफ आर्किटेक्चर परहैप्स द ग्रेटेस्ट द लार्जेस्ट प्लेस ऑफ वर्शिप इन द वर्ल्ड। The way to moksha is really, there are many ways, but the way of worship is considered to be a very powerful methodology for spiritual development. कहते हैं कि लोग एक निष्ठ हो जाए बस, बाकी कुछ नहीं, हमारा उद्देश्य कुछ नहीं, यही आपका बस एकत्व की भावना आ जाए और उनके अंदर एक थोड़ी मजबूती आ जाए, उनको विश्वास हो जाए। एक विश्वासी है विश्वासम फलम दायक, तो हम भगवान के पास जाए। और आज मेरा ये सौभाग्य है कि इस ग्रंथ के का विमोचन करने के लिए महाराज स्वयं हैं, जिनके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। शिव की उपासना का महात्म्य बताते हुए लिखा है, देवेशु महान देवो महादेवस तथा स्मृता। वह मुक्ति का स्वामी है। शिव को रुद्र इसलिए भी कहते हैं कि ये रुद्र अर्थात दुख को विनष्ट कर देते हैं। हिंदू धार्मिक जगत में शिवोपासना की महिमा का कोई और छोर नहीं है। रामचरितमानस में लिखा हुआ है, शिव सेवा कर सुत फल सोई, अविरल भगत राम पद होई, बिन उछल विश्वनाथ पद नेहु, राम भगत कर लक्षण एहू। और आप जैसे लोग संसार के समस्त जीवों की व्यवहारिक रूप से तथा सामाजिक भावनाओं से जुड़ करके कल्याण का मार्ग ढूंढने में सक्षम हैं।